हेलो गाइस, दिस इज अवर मंथली सिंह एंड यू आर वाचिंग द फूडी बॉय शो। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं लुधियाना शहर के सुभाष नगर एरिया के अंदर। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं यहां पे गाइस आपको यहां की लोकेशन क्लियर कर देता हूं। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल एरिया सुभाष नगर चौक पे गुरुद्वारा सिंह सभा है। तो दोस्तों दिखा सकते हैं, यहाँ इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट द ग्रेट स्नैक बार है। तो यहाँ पे हम इनका फूड टेस्ट करने के लिए आए हैं, कैसा लगा रिव्यू करके बताएंगे वीडियो के एंड पे। हेलो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। आपका नाम क्या है सर? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना पहले समय दिया। ठीक है, ठीक है। तो आज आप क्या टेस्ट कराने वाले हैं, क्या चीज़ बनाने वाले हैं? हमारे पास स्पेशल आइटम है, मलाई चाप होगी, एक अपना जो है बर्गर है वो चाप वाला, बहुत हमारा मशहूर है। ओके, मलाई चाप और चाप बर्गर आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल आउट होते हैं, सिग्नेचर प्रोडक्ट है। तो आप वो टेस्ट कराने वाले हैं? तो गाइस, अब हमारी मलाई चाप लगनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी रोस्टेड जो चाप है, जो एक सीख चाप जो है हाफ प्लेट आ चुकी है, एंड अब इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया जाएगा ताकि इसको अच्छे से मैरिनेट कर सकें पैन में। और ये काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये अब जा चुकी है पैन में। और अब इसमें जाएगा बटर और इनके थोड़े सीक्रेट मसाले, और उसके बाद ऊपर से आया सैलड, और ये आई अमूल की फ्रेश क्रीम काफ़ी सारी। और अब इसको बहुत डिलीशियस तरीके से मैरिनेट किया जाएगा। गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है इसमें, तो क्रीम तो देख के ऐसे भी मुंह में पानी आ ही जाता है नॉर्मली। और अब इसको किया जाएगा गैस पे हीट, और ये देखिए गाइस, अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से भी प्लेट में लगा दी जाएगी, और अब फटाफट से हमारा चाप बर्गर भी रेडी हो जाता है फटाफट। तो गाइस, अब हमारा चाप बर्गर रेडी होने लगा है। आप देख सकते हैं कि अब ये ग्रिल हो रहा है, हमारे बन ग्रिल हो रहे हैं। तो गाइस, हमारे बन अब ये हो चुके हैं ग्रिल। अब ये आ चुकी है इनकी स्पेशल मेयो सॉस म्यूनिस, एंड ये आ चुकी है इनकी स्पेशल टिक्की, एंड ये आ रहा है हमारा चीज स्लाइस। कौन सा चीज स्लाइस है? अमूल का चीज स्लाइस आ चुका है हमारा गाइस। और ये थोड़ा सा फट चुका है, पर कोई बात नहीं। तो गाइस, अब इसके ऊपर आ चुकी है चाव, और ये गाइस ये बन चुका हमारा चाप बर्गर, रेडी हो चुका है। गाइस, हमारा ये चाप बर्गर रेडी हो चुका है, एंड अब रेडी हो चुका है टेस्ट करने के लिए। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है बर्गर के साथ साथ चाम के साथ क्रीमीनेस जो आ रही है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहा है। और उसके साथ जो अंदर ही अंदर मसालों का टेस्ट आ रहा है, वो एक तो अपने आप में एक बहुत ही अलग स्वाद लेकर आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी है, उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही क्रीमीनेस आ रहा है। और इसके अंदर जो सैलेड है वो भी बहुत ही अल्टीमेट फ्लेवर दे रहा है। ठीक है गाइस, वो चाप और बर्गर का जो मैच है वो बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ जो कॉर्न्स भी ऐड करेंगे वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है गाइस, तो ये बर्गर का टेस्ट तो बहुत ही अल्टीमेट है। इसके साथ जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है चाप का। ठीक है गाइस, मलाई चाप। तो मलाई चाप देखते देखते हुए तो मेरे मुंह में बहुत ही टेस्ट आ रहा है, और इसके अंदर जो क्रीमीनेस है, वो सैलेड अंदर डाला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। सबसे पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा डिप करते हुए मिंट सॉस के साथ। गाइस बहुत ही बढ़िया टेस्ट है मलाई चाप का। तो गाइस मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि इनका जो मलाई चाप है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट रहा है, उसके साथ जो इनका प्याज का सैलेड है वो एकदम अल्टीमेट टेस्ट दे रहा है। मैं यही कहूँगा ग्रेट स्नैक बार जो यहाँ पे सुभाष नगर एरिया के अंदर है, जस्ट गुरुद्वारा सिंह सभा के ऑपोजिट, यहाँ पे आके आप एक बार ज़रूर विजिट करें, और हमारी वीडियो का लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको टेस्ट कैसा रहा। सो गाइस, यहाँ पे ग्रेट स्नैक बार के कुछ कस्टमर भी आ चुके हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं मलाई चाप, तो उनसे रिव्यू लेते हैं उनको कैसा लगा। हेलो गाइस। हेलो गाइस, आपका नाम क्या है? माय नेम इज मानव। एंड आपका? माय नेम इज हर्ष।
अर्शी आपको मलाई चाप कैसे लगे आपने ऑर्डर करे अभी? वेरी स्वीट, आई लाइक इट मलाई चाप। ओके, तो आप यहाँ पे ग्रेट स्नैक बार पे कितने समय से आ रहे हैं? 3 इयर्स। 3 साल से, मतलब वीकली बेसिस पे कितने टाइम टाइम से आ रहे हैं? वीकली बेसिस पे कितनी बार आ जाते हैं? हफ्ते में 2-3 बार। 2-3 बार आते हैं। तो मलाई चाप के अलावा भी आप बहुत चीज़ें क्या क्या लाइक करते हैं? आई लाइक इट बुलेट, जो इन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, तो इन्होंने बुलेट बंद कर दिए हुए, तो ये इनकी कंप्लेंट जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो आई होप ये अपनी कंप्लेंट को थोड़ा सुधारेंगे। सो गाइस, तुम अपने होर भी कस्टमर्स को की कहना चाहोगे, इतने का टेस्ट कैसा रहेगा? इतना टेस्ट जी बहुत बढ़िया है, हरेक बंदे नूं ट्राई करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਲਾਈ ਚਾਪ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਅਬ ਹਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਸਟ ਮੇ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਨਏ ਵਲੌਗ ਮੇ ਇੱਕ ਨਏ ਟੇਸਟ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਨੈਕ ਬਾਰ ਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਕਾ ਟੇਸਟ ਕੈਸਾ ਲਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ, ਲਵ ਯੂ।